जादुई जेसीबी रोबोट वर्सेस मनी रोबोट। एक दिन सुधाकर के खेत में सोने का खजाना मिलता है। सुधाकर खजाने की रक्षा के लिए एक जेसीबी रोबोट खरीदता है। जेसीबी रोबोट दिन रात खेत में रहकर खजाने की रखवाली करता रहता है। उसी के साथ जेसीबी रोबोट के साथ गांव का ही एक मनोज नाम का आदमी भी रहता है। मनोज की पत्नी उसके इस काम से ज्यादा खुश नहीं थी। एक दिन वो कहती है, सुनिए जी, आप ये काम मत कीजिए। पता है कि आपके साथ रोबोट रहता है, पर खतरा तो है ही ना। कहीं इस रोबोट से भी बड़ा रोबोट आकर आप पर हमला कर दिया तो? बोल दिया काली जबान, अरे कभी तो शुभ बोला कर। चल मेरा डिब्बा दे दे मुझे, काम के लिए मुझे देरी हो रही है। मनोज डिब्बा लेकर काम पर जाता है। जेसीबी रोबोट और मनोज अपने काम पर लगे थे कि तभी अचानक वहां एक मनी रोबोट आता है जो जेसीबी रोबोट पर हमला करता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मनी रोबोट की ताकत के सामने जेसीबी रोबोट हार मान जाता है। मनी रोबोट जेसीबी रोबोट को ढेर करके गिरा देता है और फिर मनोज को भी वो मारने लगता है। मार की वजह से मनोज बेहोश हो जाता है। फिर वो मनी रोबोट जेसीबी रोबोट और मनोज को जंगल में फेंक देता है। जब ये बात कुमार को पता चलती है तब वो तुरंत उस खजाने के पास आता है और कहता है, शाबाश मेरे रोबोट, तुमने तो मेरा काम आसान ही कर दिया। अब ये सारा खजाना मेरा हुआ, चलो ले चलो इस खजाने को। दरअसल कुमार एक बहुत ही बड़ा स्मगलर था। उसे जब खजाने की बात पता चली तब उसने ही उस मनी रोबोट को वहां भेजा था जो जेसीबी रोबोट को मार गिराए। कुमार सारा खजाना लेकर वहां से फरार हो जाता है। सुधाकर को जब ये बात पता चलती है तब वो बहुत ही दुखी हो जाता है। काश मैंने सारा खजाना निकालकर गरीबों में बांट दिया होता तो आज उस खजाने की ऐसी चोरी नहीं होती। पर मनोज और जेसीबी रोबोट कहां होंगे? उधर मनोज की पत्नी भी मनोज को लेकर बहुत दुखी थी। वो सोचती है, मैंने तो पहले ही कहा था उनसे कि ये काम छोड़ दे, पर वो कहां मेरी बात सुनते हैं। अब मैं कहां ढूंढूं उन्हें। इस तरह सुधाकर मनोज और उसके जेसीबी रोबोट को ढूंढने लगता है। उधर जंगल में एक जादूगर था जिसकी नजर बेहोश मनोज पर आती है। वो जादूगर मनोज को होश में लाता है। तब मनोज जादूगर को सारी बात बताता है। मनोज की सारी बातें सुनकर जादूगर कहता है, घबराओ मत मनोज, मैं अभी तुम्हारे इस जेसीबी रोबोट को ठीक करता हूँ और उसे और भी शक्तिशाली कर देता हूँ। जादूगर कुछ जादुई मंत्र बुदबुदाने लगता है। जादुई मंत्रों से जेसीबी रोबोट अचानक से उठ जाता है। वो पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर दिख रहा था। उसे देखकर जादूगर कहता है, सुनो मनोज, अब ये कोई मामूली जेसीबी रोबोट नहीं रहा, ये अब जादुई जेसीबी रोबोट बन गया है। ये रोबोट ही उस मनी रोबोट को ढूंढ निकालेगा और फिर से सारा खजाना वापस ले आएगा। मनोज खुशी खुशी से जेसीबी रोबोट के साथ गांव आता है। उन्हें देखकर सुधाकर बहुत खुश हो जाता है और मनोज की पत्नी तो मनोज के वापस आने की वजह से गांव में खुशी से मिठाइयां बांटती। मनोज जादूगर वाली बात सुधाकर को बताता है और कहता है, मालिक, मैं फिर से सारा खजाना वापस लेने जा रहा हूँ और उस इंसान को भी पकड़ कर ले आऊंगा जिसने ये सारा खजाना चुराया है। मनोज जादुई जेसीबी रोबोट के साथ कुमार के अड्डे पर जाता है। वहां फिर से मनी रोबोट और जादुई जेसीबी रोबोट के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में मनी रोबोट को जादुई जेसीबी रोबोट हरा देता है। और उसे ढेर करता है। कुमार अपने साथियों को उस रोबोट पर हमला करने के लिए कहता है। कुमार के साथी जादुई जैसी रोबोट पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन उन गोलियों का जादुई जैसी रोबोट पर कोई असर नहीं होता। मनोज कहता है, अरे बेवकूफ इंसान, तुम्हारा मनी रोबोट कुछ नहीं कर पाया, ये तो मामूली गोलियां बरसा रहे हो, ये क्या उखाड़ पाएगा मेरे रोबोट का। चल अब बता कि खजाना कहाँ छुपा के रखा है, नहीं तो ये जादुई जेसीबी रोबोट तुम्हें भी देख लेगा। कुमार डर के मारे सारा खजाना मनोज के हवाले कर देता है। मनोज खजाना और कुमार को लेकर सुधाकर के पास जाता है। कुमार को पुलिस पकड़ ले जाती है। तब सुधाकर सारा खजाना गांव के लोगों में बांट देता है।